नमस्कार, प्रस्तुत है राग वर्गीकरण। संगीत एक परिवर्तनशील कला है, अतः समय के प्रवाह के साथ ही रागों का बाह्य रूप बदलता रहा है। गायन शैलियां बदलती रही हैं। संगीत के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राग वर्गीकरण की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने समय समय पर रागों का विभिन्न ढंग से वर्गीकरण किया है। इन वर्गीकरणों के अंतर्गत निम्न वर्गीकरण प्रमुख हैं। अब इन वर्गीकरणों का संक्षिप्त वर्णन। गीत के आधार पर वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण करने के लिए मतंग ने 7 गायन शैलियों यानी गीतियों को आधार बनाया। इनमें से चोक्षा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी तथा इन 5 गीतियों के लिए ग्राम राग तथा भाषा विभाषा इन 2 गीतियों के लिए देशी राग माने। ग्राम रागों को पुरुष तथा देशी रागों को स्त्री माना जाता था। समय के आधार पर राग वर्गीकरण। यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। नारद द्वारा रचित संगीत मकरंद में इसका वर्णन मिलता है। नारद ने रागों को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सूर्यांश राग, मध्यान्ह राग और चंद्रांश राग। सूर्यांश राग प्रातः काल गाए बजाए जाते थे, मध्यान्ह राग दिन के समय और चंद्रांश राग रात्रि के समय गाए बजाए जाते थे। यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई तथा इसमें परिवर्तन आते गए। आज इसी परंपरा का रूप उत्तरांगवादी राग तथा पूर्वांगवादी राग में देखने को मिलता है। उत्तरांगवादी राग का गायन वादन समय दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक तथा उत्तरांगवादी राग का रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का गायन समय माना जाता है। रसानुसार राग वर्गीकरण। रस के अनुसार रागों का वर्गीकरण संगीत मकरंद में मिलता है। विद्वानों ने रसों का संबंध रागों से जोड़कर एक जैसे रस निष्पत्ति करने वाले रागों को एक वर्ग में रखा है। शुद्ध छायालग एवं संकीर्ण राग वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार रागों को 3 वर्गों में बांटा गया था। संगीत रत्नाकर में इसका वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। शुद्ध सालग संकीर्णा रागा वस्तु त्रिविधा स्मृता, अर्थात शुद्ध सालग और संकीर्ण इन 3 वर्गों में रागों को रखा गया है। शुद्ध राग जो राग शास्त्र के नियमानुसार गाया बजाया जाता है और जिसमें अन्य किसी राग की छाया नहीं दिखलाई देती, ऐसे रागों को शुद्ध राग कहते हैं। इसके अंतर्गत बिलावल, कल्याण, भूपाली और केदार जैसे राग आते हैं। सालग या छायालग राग जिस राग में किसी अन्य राग की छाया दृष्टिगोचर होती है उसे छायालग या सालग राग कहते हैं, जैसे तिलक कामोद, परज, शुद्ध कल्याण आदि। संकीर्ण राग इस प्रकार के रागों में अन्य रागों का मिश्रण होता है, जैसे भैरव बहार, पीलू, भैरवी आदि। 10 विध राग वर्गीकरण। यह वर्गीकरण पंडित शारंगदेव ने किया है। उन्होंने रागों को निम्न 10 भागों में बांटा है। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। राग रागिनी वर्गीकरण। रागों के इस पारिवारिक वर्गीकरण का सूत्रपात नारद कृत मध्ययुगीन ग्रंथ संगीत मकरंद से माना जाता है। इस वर्गीकरण का आधार मध्यकाल में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें रागों को पुरुष, स्त्री और नपुंसक रागों में बांटा जाता था। बाद में रागों को पुरुष, स्त्री तथा शिशु रागों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। गंभीर प्रकृति के रागों को राग यानी पुरुष राग, कोमल प्रकृति के रागों को स्त्री राग या रागिनी तथा चंचल प्रकृति के रागों को शिशु राग कहा गया। राग रागिनी पद्धति में प्रमुख रूप से 4 मत प्रचलित रहे हैं, यद्यपि 21 मत तक प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रमुख मत इस प्रकार हैं: शिव अथवा सोमेश्वर मत, कृष्ण अथवा कल्लीनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत। इन मतों में मुख्य 6 राग, प्रत्येक की 6-6 या 5-5 रागिनियां, 8-8 पुत्र और पुत्रवधुएं मानी गई हैं। इन 6 रागों का संबंध 6 रीतियों से भी जोड़ा जाता था। प्रत्येक मत में राग एवं रागिनियों के नाम अलग अलग प्राप्त होते हैं। शिव और कृष्ण मतों के मुख्य 6 राग एक हैं और प्रत्येक की रागिनियों की संख्या भी 6-6 है, किंतु इन रागिनियों के नाम भिन्न हैं। अब देखते हैं शिव मत के अनुसार राग और रागिनी। शिव मत में 6 राग, 36 रागिनियां।
रागश्री इसकी छह रागनियां, मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी, पहाड़िका। राग बसंत और इसकी रागनियां हैं देशी, देवगिरी, बराटी, टोडिका या तोड़ी, ललिता, हिंडोली, भैरव की, भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकिरी, बंगाली, सैंधवी। पंचम राग की रागिनियां विभाषा, भूपाली, कर्णाटी, बड़हंसिका, मालवी, पटमंजरी। वृहन नाट या नटनारायण इस राग की रागिनी कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, सारंगी, नट, नट हम्बीरा, मेघ की, मल्लारी, सोरठी, सावेरी, कौशिकी, गांधारी और हर श्रृंगार। इसी प्रकार भरत व हनुमत मत में छह राग व प्रत्येक राग की पांच पांच रागिनियां यानी 30 रागिनियां मानी गई हैं। मध्य युग में राग रागिनी वर्गीकरण बहुत प्रचलित था। यह ध्यान देना आवश्यक है कि राग रागिनी वर्गीकरण का भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, यह एक विस्तृत विषय वस्तु है। रागांग वर्गीकरण। रागांग राग वर्गीकरण आधुनिक समय का बनाया हुआ वर्गीकरण है। इसका जनक मुंबई के श्री नारायण मोरेश्वर खरे को माना जाता है। उन्होंने अपने अनुभव से 30 स्वर समुदाय चुने जिन्हें रागांग कहा। रागांग से तात्पर्य रागवाचक विशिष्ट स्वर समूह से है जो कि राग को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इसी अंग के सहारे नए नए राग रूपों का उद्भव हुआ। इसमें समस्त रागों को इन्हीं 30 रागांगों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे जिन रागों में गामा रेसा, यह ध्यान देना आवश्यक है इसमें गा अतिकोमल हो लगता हो, वे कान्हड़ा रागांग के अंतर्गत आएंगे, जैसे दरबारी कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा आदि। मेल राग वर्गीकरण। मध्य युग में ही राग वर्गीकरण की एक अन्य धारा मेल पद्धति प्रचलित हुई। मेल राग वर्गीकरण या मेल पद्धति दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की उपज है। इसके आद्य प्रवर्तक विजयनगर साम्राज्य के विद्वान मंत्री विद्यारण्य माधवाचार्य माने जाते हैं, जिनका काल 14वीं शताब्दी है, किंतु उनके ग्रंथ के उपलब्ध न होने के कारण सोमनाथ कृत स्वर मेल कला निधि को ही मेल पद्धति के आधार ग्रंथ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। माधवाचार्य के समय तक ग्राम, मूर्छना और जात के प्राचीन लक्षणों का प्रचलन समाप्त हो गया था, अतः उन्होंने अपने समय के रागों को वर्गीकृत करने के लिए इस नए वर्गीकरण की रचना की। इनके अंतर्गत हर एक राग में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध तथा विकृत स्वरों का निर्धारण किया गया। जिन रागों में शुद्ध तथा विकृत स्वरों में समानता थी उन्हें एक वर्ग में रखा गया और ऐसे वर्ग को मेल की संज्ञा प्रदान की गई। हर मेल या वर्ग का नाम उस मेल के प्रसिद्ध राग के आधार पर रखा गया। इस प्रकार विद्यारण्य माधवाचार्य ने 15 मेल माने तथा 50 रागों का वर्गीकरण किया। अन्य विद्वान मेलों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन करते रहे। लोचन ने 12 मेल माने, अहोबल ने 14, श्रीनिवास ने 14, रमामात ने 20 तथा अंत में पंडित वेंकट मखी ने गणित के आधार पर 72 मेल बनाए और आज यही प्रचलित है। मुख्य मेलों को जनक राग माना जाने लगा और उसमें आने वाले रागों को जन्य राग कहा जाने लगा। कालांतर में उत्तर भारतीय संगीत में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया, परंतु मेल के स्थान पर उसे थाट नाम दिया गया। थाट वर्गीकरण। थाट का अर्थ है ऐसी जगह जहां राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। थाट का अर्थ होता है जगह या स्थान। इसके जनक पंडित विश्वनारायण भातखंडे हैं। भातखंडे जी के समय प्रचलित रागांग व राग रागिनी वर्गीकरण से वे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने मध्यकालीन मेल पद्धति जो दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित थी उसके आधार पर उत्तरी संगीत पद्धति के रागों को वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण में उन्होंने स्वर और स्वरूप दोनों का ध्यान रखा और मेल के स्थान पर थाट शब्द प्रयोग किया। पंडित वेंकट मखी के 72 मेल से पंडित भातखंडे को प्रेरणा मिली। इनमें से उन्होंने केवल 10 प्रसिद्ध मेलों यानी थाटों का चयन किया तथा इन्हीं के अनुसार रागों को व्यवस्थित किया। ये 10 थाट व उनके स्वर इस प्रकार हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि थाट में सभी सातों स्वरों का प्रयोग होता है। बिलावल थाट सभी स्वर शुद्ध, यमन अथवा कल्याण में मध्यम तीव्र तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध, खमास थाट के अंतर्गत नी कोमल अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, काफी थाट में गा नी स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं, आसावरी में गा धा नी कोमल शेष स्वर शुद्ध, थाट भैरव में ऋषभ धैवत कोमल बाकी स्वर शुद्ध, भैरवी थाट में ऋषभ गांधार धैवत और निषाद कोमल लगते हैं अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, पूर्वी में रे धा मा विकृत शेष स्वर शुद्ध,
मारवा में रेमा विकृत, शेष स्वर शुद्ध, तोड़ी थाट में रे गा माधा विकृत, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में इन 10 थाटों के नाम निम्नानुसार हैं। उत्तरी बिलावल का दक्षिणी मेल धीर शंकराभरण, उत्तरी यमन या कल्याण का मेज कल्याणी या शांत कल्याण दक्षिण में नाम है। खमाज उत्तरी खमाज थाट का मेल खाता हुआ दक्षिणी मेल थाट हरिकाम्बोजी है। काफी थाट से मेल खाता हुआ खरहर प्रिया, आसावरी का नट भैरवी, भैरव का माया मालव गौड़, भैरवी का हनुमत तोड़ी, पूर्वी का कामवर्धिनी, मारवा का गमन प्रिया और उत्तरी तोड़ी थाट से मेल खाता हुआ दक्षिणी मेल है शुभ पंतुवराली। दक्षिणी संगीत पद्धति में वर्तमान में 19 मेल प्रचलित हैं। उत्तर भारतीय संगीत में वर्तमान में इसी थाट पद्धति का ज्यादा प्रयोग होता है। इसका वर्णन आप गायन सिद्धांत, जिसका लेखन CBSE हायर सेकेंडरी को नोट्स को ध्यान में रखकर किया गया है, और स्वरवादन सिद्धांत, इन दो पुस्तकों से लिया गया है। आप इन पुस्तकों को चाहें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।